जहां अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठे अपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का वेट कर रहे हैं, वहीं उनका इंतजार खत्म हो गया है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल के लिए लिस्ट करते हुए जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच को सौंपा है, पर दूसरी तरफ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी का बहुत ही बुरा हाल है। और इसी में एक खबर ऐसी है जिससे सीएम अरविंद केजरीवाल भी बड़े परेशान दिखेंगे। अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार, जो जेल के बाहर उनके आईज और ईयर्स थे, को इस पोस्ट से डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने रिमूव कर दिया है। इस खबर से जहां बीजेपी लीडर्स काफी खुश हैं, वहीं आम आदमी पार्टी खूब गुस्सा है और इस टर्मिनेशन की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां रुक नहीं रही है, क्योंकि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े केस में अब एक लेटर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी के पास पहुँच चुका है, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल्स और सपोर्टर्स पर कंटेम्प्ट चार्जेस लगाने की मांग करते हुए। जी हाँ, आपने सही सुना, एडवोकेट शशांक शेखर झा, जिन्होंने ये लेटर अटॉर्नी जनरल को लिखा है, ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और उसके मेंबर्स ने आए दिन सोशल मीडिया की पावर को मिसयूज करके जुडिशी को एक गलत रोशनी में दर्शाया है और ये मोस्टली एक्स और फेसबुक पर दिखने मिला है। आपने हमारे कई वीडियोस में देखा भी होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के लीडर सच एज आतिशी और सौरभ भारद्वाज हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी या कोर्ट के ऑर्डर्स को खूब फटकारते हैं। और इसी के खिलाफ अपने लेटर में झा ने एजी को समझाते हुए कहा, अ मलिशियस कैंपेन इज गोइंग ऑन ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेमली एक्स, फेसबुक एक्सेट्रा अगेंस्ट द इंडियन जुडिशरी, टारगेटिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। पर जो सबसे मेन बात एडवोकेट झा ने अटॉर्नी जनरल को बताई है वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के अरविंद केजरीवाल की ईडी की अरेस्ट को चैलेंज करने वाली प्ली को डिसमिस करने के बाद से उन्हें काफी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, जहां अपोजिशन ने उन्हें बीजेपी से जुड़ा कहते हुए जुडिशरी पर उंगली उठाई है। एजी को इस बात से रूबरू करवाते हुए एडवोकेट झा ने स्टेट किया, दिस टाइम इन अ प्लान्ड मैनर कंटेमनर स्टार्टेड टारगेटिंग द जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा of Delhi High Court by enabling unwarranted allegations of her being affiliated to political party BJP, being sold, passing judgment without applying mind and words. सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि अब ये केस या तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के सामने जाएगा या जस्टिस संजीव खन्ना के, और ये मामला डिसमिस हो जाएगा। ऐसे शक से तो जुडिशरी की छवि लोगों के सामने बर्बाद होती है। और इसके बारे में बताते हुए एडवोकेट झा ने कहा, दिस इज बिकमिंग अ कॉमन ट्रेंड एंड सेटिंग रॉन्ग प्रेसिडेंट्स दैट द सोशल मीडिया इज मिसयूज्ड टू टारगेट द जुडिशरी फ्रॉम दोज हैविंग पॉलिटिकल अफिलिएशंस वो थ्रू देयर इलीगल मींस यूज जुडिशरी टू पुश द पॉलिटिकल एजेंडा देयर बाय मिसकोटिंग द प्रोसीडिंग्स इलीगली रिकॉर्डिंग इट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द प्रिसाइडिंग जजेस एंड वर्स। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया है कि अब ये केस जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने लिस्ट हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि इस केस में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स पर जजेस की बातों को घुमा फिराकर पेश करने का भी इल्जाम लगा है अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से। एक ऐसे ही कन्वर्सेशन की बात झा ने अपने लेटर में की थी, ये कहते हुए कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल ने खुद से कुछ बातें रखी थी उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आम आदमी पार्टी बता रही थी जो हुआ ही नहीं था। एडवोकेट झा स्टेटेड, अ फेक कन्वर्सेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राउस एवेन्यू कोर्ट वाज स्प्रेड ऑन एक्स विद एन इंटेंशन टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। खैर वो ट्वीट अब आम आदमी पार्टी द्वारा हटा लिया गया है, पर वो इंडिया अलायंस के पेज पर अभी भी मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल इन कोर्ट, व्हाई हैव यू अरेस्टेड मी, एएसजी राजू, वी हैव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट यू, केजरीवाल, सो इफ आई से आई गिव 100 करोड़ टू मोदी एंड अमित शाह, विल यू गो एंड अरेस्ट देम बेस्ड ऑन माई स्टेटमेंट, जज एंड एएसजी बोथ वेंट क्वाइट सैवेज। सिर्फ यही नहीं, बल्कि द एजी हैज बीन टोल्ड दैट आम आदमी पार्टी हैड पोस्टेड एन 80 सेकंड्स वीडियो इन विच द आम आदमी पार्टी ऑफिशियल्स ब्लेटेंटली मिसकोटेड द दिल्ली हाई कोर्ट। और इन्हीं सब बातों की वजह से एडवोकेट शंकर झा ने एजी को लेटर लिखते हुए सीक्ड परमिशन टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अगेंस्ट आम आदमी पार्टी इट्स ऑफिशियल्स एंड इट्स सपोर्टर्स फॉर टार्निशिंग द इमेज ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की प्ली को डिसमिस करते हुए उन पर ही अलग पलटवार किया था और उनकी ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशन से डिसएग्री किया था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी द्वारा टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर भी कई गहरे सवाल उठाए थे कि भला इलेक्शन से ठीक पहले जाकर ईडी ने दिल्ली सीएम को अरेस्ट क्यों किया है और इसके पीछे यूनियन की ही साजिश है। हालांकि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने उल्टा केजरीवाल पर ही सवाल उठा दिए कि इस मामले में उनकी गलती है जो उन्होंने अभी तक ईडी को कोऑपरेट नहीं किया था। शी स्टेटेड,
केजरीवाल शुड हैव बीन अवेयर दैट लोकसभा इलेक्शंस वुड बी अनाउंस्ड ही फेल्ड टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन द ऑब्जेक्शन टू द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी मलिशियस इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ईडी इज नॉट टेनेबल और ईडी को फेवर करते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ऐसे में ईडी के पास केजरीवाल को अरेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा शी एडेड The conduct of the petitioner Shri Kejriwal of not joining investigation left little option with the Directorate of Enforcement other than his arrest for the purpose of investigation of a pending case in which other co-accused are in judicial custody and the investigating agency is also running against time in view of the order of the Honorable Supreme Court void which it was ordered that the trial in this case should proceed expeditiously. Sirf yahi nahi balki Justice Swarnakant Sharma ne ye point bhi uthaya hai ki bhala jab Kejriwal ko doubt tha ki ED unhe jaanboojhkar pareshan kar rahi है तो उन्होंने प्री अरेस्ट बेल या एंटीसिपेटरी बेल की मांग क्यों नहीं की शी स्टेटेड द पिटिशनर श्री केजरीवाल हैड आल्सो नॉट प्रेफर टू फाइल एनी एप्लीकेशन सीकिंग प्री अरेस्ट बेल इन द प्रेजेंट ईसीआईआर इवन दो ही हैड मेंशन इन हिज रिप्लाई डेटेड 18 जनवरी 2024 सेंट टू द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन रिस्पांस टू देयर समन्स दैट ही बिलीव्ड दैट ही वाज बीइंग समन्ड रिपीटेडली एज द एजेंसी वांटेड टू अरेस्ट हिम सिर्फ यही नहीं आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के उन पॉइंट्स को भी डिसमिस कर दिया है जब उन्होंने कहा था कि ईडी को केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी और वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे पूछताछ कर सकते थे जज ने कहा कि एक कोर्ट किसी जांच एजेंसी को ऑर्डर नहीं कर सकती कि वे अक्यूज्ड के हिसाब से चले और ये लॉ के तहत भी काफी गलत है शी स्टेटेड The investigating agencies under the Indian criminal jurisprudence cannot be directed to conduct investigation in accordance with convenience or dictates of a person. The investigation has to take its own course and in case the investigating agency would be directed to visit the house of every such person for the purpose of investigation, in that case, the very purpose of investigation would be lost and would end in chaos. इस केस की हियरिंग के बाद एएसजी एसवी राजू ने ऑर्डर की तारीफ करते हुए कहा सारा एविडेंस देखने के बाद केस फाइल देखने के बाद सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है ये सारी जिक्र जो है ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है जजमेंट मेरे हाथ में इस हियरिंग के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक अलग जंग छिड़ गई है अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के टर्मिनेशन के बाद से स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर ने ये टर्मिनेशन का ऑर्डर देते हुए स्टेट किया था द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर द सेड एंगेजमेंट ऑफ श्री विभव कुमार वर नॉट स्क्रूपलेसली फॉलोड सो सच एंगेजमेंट इज इलीगल एंड वॉइड अप इनिशियो अगर ऑर्डर पर जोर दे तो जिस बेसिस पर कुमार को टर्मिनेट किया गया है वो एक 2007 के केस पे बेस्ड था कुमार री अपॉइंटमेंट एज केजरीवाल प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्वायर्ड विजिलेंस क्लियरेंस एज रिगार्ड्स अ केस अगेंस्ट हिम फाइनली इट वॉज दिस केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट कुमार ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द नोएडा अथॉरिटी ऑफिस बैक इन 2007 दैट बिकेम द बेसिस फॉर द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑर्डरिंग द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज द FIR हैड बीन रजिस्टर्ड बाय अ हेड कांस्टेबल अलेजिंग असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और ऐसा नहीं होने की वजह से ही उन्हें रिमूव कर दिया गया हालांकि लोगों को इसी टर्मिनेशन की टाइमिंग पर डाउट है कि भला जब ये केस 2007 का है और विभव वापस से री अपॉइंट केजरीवाल के असिस्टेंट के रूप में 2020 में हुए हैं तो अब जाकर क्यों उन्हें पहले ईडी इंटरोगेट करती है और जिसके बाद जाकर उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस द्वारा इस पद से हटा दिया जाता है सूत्रों की माने तो विभव कुमार भी शांत नहीं बैठते हुए इस टर्मिनेशन के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रुख करने वाले हैं अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या हम और लोगों की इस दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े होने की वजह से जेल या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन से रिमूव होता देख सकते हैं अब देखना ये होगा कि इस केस में और कौन से अपडेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंटिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा